जनरेटर पर लगेगा बैन, पानी सप्लाई और सीसीटीवी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि पॉल्यूशन की तरफ देखते हुए प्राधिकरण की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटर पर बैन रहेगा, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पानी सप्लाई और सीसीटीवी पर भी असर पड़ेगा। और गाजियाबाद से संवाददाता सोनू अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। सोनू, 1 अक्टूबर से जो तमाम हाई राइज सोसाइटी हैं उसमें डीजल से चलने वाले जनरेटर पर बैन रहेगा। जनरेटर के बैन होने से किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं और इस फैसले को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, 1 अक्टूबर से डीजी सेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर लोगों में काफी परेशानी देखी जा रही है। अनुमान है कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि डीजी सेट 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक परेशानी है। रेटो फिटिंग अगर करवाने लगते हैं लोग तो कम से कम 15 से 25 लाख का खर्चा आता है। उसमें लोग ये भी कहते कि लोगों का ये भी कहना है कि जो उसकी क्षमता है वो भी कम हो जाती है 15 से 20%। तो लोगों को काफी परेशानी इसमें उठानी पड़ रही है। लोगों ने इस विषय में यूटीसीसीबी को भी लेटर लिखा है, जिससे थोड़ी इन्हें और थोड़े दिन का टाइम मिल सके और तैयारी करने का आगे का समय मिल सके, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी इससे हो जाएगी, क्योंकि लोगों अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है सोसाइटी। जी ठीक है सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटर पर बैन करने का फैसला प्राधिकरण की तरफ से लिया गया है और यह फैसला बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है, ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोएडा से एक और बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर बैन होगा।